हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सुमन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल एकदम जायकेदार चटपटी और स्वादिष्ट भिंडी मसाला की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यह हमने 250 ग्राम भिंडी लिया है, इसको हमने धोल कर अच्छे से पोंछ कर लिया है और इसके दोनों किनारों को काट कर निकाल दिया है और भिंडी को इस तरह लंबे लंबे पीस में काट लिया है। अब इसको बीच से चीर कर देख लेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। तो इसी तरह से हमने सारी भिंडी को काट कर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच नींबू का रस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि भिंडी पर ये जो हमने मसाले और बेसन को डाला है ये सब अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे भिंडी पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और बेसन भिंडी पर अच्छे से कोट हो जाए। इसी तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी और मसालों को अच्छे से कोट कर लिया है, तो इसे अलग रख देंगे। अब गैस पर पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें बेसन की कोट की हुई भिंडी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि भिंडी थोड़ा फ्राई हो जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो अब इस तरह से इसे पलटते हुए चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि भिंडी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और ये थोड़ा पक भी जाए। इसे हमने 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब फिर से गैस पर कढ़ाई रख देंगे, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी, 2-3 लौंग, 4 गोल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा और इन सबको 20 से 25 सेकंड तक भून लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज प्याज को पीस कर डालेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें 2-3 हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मिर्ची और लहसुन अदरक को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि प्याज से तेल अलग ना होने लगे। तो ये देखिए प्याज से अब तेल अलग होने लगा है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर को पीस कर। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या तो ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भिंडी में बेसन कोट करते समय भी नमक डाला है, तो इसलिए नमक स्वादानुसार ही डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसालों को प्याज के साथ 3 मिनट तक और भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे ताकि इसके लम्स ग्रेवी में दिखाई ना दें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे जब तक मसालों से तेल ना अलग होने लगे। ये देखिए साइड साइड से मसालों से तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी आपको बनानी है पानी उसी हिसाब से डालें। यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब ये जो हमने फ्राई करके भिंडी रखा है उसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे 7 मिनट तक पका लिया है और मसाला भिंडी पककर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। यहाँ पर हमने कसूरी मेथी डाला है क्योंकि हमारे पास हरी धनिया नहीं थी, तो इसलिए हमने कसूरी मेथी डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह हरी धनिया को बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मसाला भिंडी पककर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर एकदम स्वादिष्ट जायकेदार मसाला भिंडी बनकर तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।